नमस्कार, आप देख रहे हो होस्ट डीएल पर, मैं हूँ सचिन। तो दोस्तों, आज के वीडियो में लेकर आया हूँ कि रेट लेवल 2 की तरफ से आज क्या फैसला हुआ है। 2 बजे की सुनवाई पूर्ण हो चुकी है, लेकिन क्या बड़ा फैसला आया है तो इस वीडियो में इसी यही बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कीजिए, और बगल में आए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए, जिससे क्या हो, जैसे ही मैं कोई और खबर लाता हूँ रेट के बारे में, तो आप सबसे पहले उस वीडियो को देख सकते हो अपने फ़ोन पर। तो दोस्तों, सब्सक्राइब नाउ, और अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हो, और वीडियो पसंद ना आए तो डिसलाइक भी कर सकते हो। तो दोस्तों, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं बता देता हूँ कि दोस्तों, अभी तक स्टे नहीं हटी है। आज 2 बजे की सुनवाई हुई है, उसमें स्टे नहीं हटी है। लेकिन एक बहुत ही बड़ी खबर आई है कि जो वकील थे, कमलेश मीणा के वकील थे, वो आज भी कुछ नहीं बोल पाए। कोई आंसर उनके पास आज भी नहीं था, सबूत नहीं था। और अब 4 बजे की सुनवाई में भी ऐसा रहा तो स्टे हटेगी, ऐसा रहा तो स्टे हट सकती हैं। अगर ऐसा रह सकता है तो स्टे हट सकती हैं, नहीं तो फिर कल की फिर से डेट दी जा सकती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के वकील, यानी कि अपनी तरफ से लड़ रहे वकील, ने बहुत ही अच्छी तरह से सवालों के जवाब दिए, और उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से आज भी केस को हैंडल किया। तो इस वजह से बेरोजगारों के जो दुश्मन हैं, उनको फिर से आज मुंह की खानी पड़ी, और उन्हें कोई भी सबूत न मिल पाया आज। और हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो वकील हैं, यानी कि हमारे प्रिय वकील, ने बहुत ही अच्छी तरीके से केस को हैंडल किया। तो ये हमारे लिए खुशखबरी है कि हमारे जो वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील, उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से हैंडल किया। और ये भी खुशखबरी है कि कमलेश मीणा के वकील आज भी कुछ नहीं बोल पाए। और अगर ऐसा रहा, मैं कह रहा हूँ कि ऐसा रहा, मैंने पहले भी कह दिया कि अगर ऐसा रहा तो फिर कमलेश मीणा के वकील केस पक्का हारेंगे, और आपको इंसाफ मिलेगा, बेरोजगारों को इंसाफ मिलेगा, हमें इंसाफ मिलेगा, रीट के सभी छात्रों को इंसाफ मिलेगा, और स्टे हटेगी, और बल्कि भर्ती नहीं रद्द होगी, बल्कि भर्ती तो रद्द, कमलेश मीणा अब भर्ती रद्द कराने में लगे हुए हैं, लेकिन अब भर्ती नहीं रद्द होगी, बल्कि स्टे ही हटेगी। आज फैसला आ सकता है, नहीं तो फिर कल की डेट दी जाएगी। 4 बजे का इंतजार और कर लीजिए, 4:30 बजे का इंतजार और कर लीजिए, 4:30 बजे तक क्या हो सकता है। तो मैं दोस्तों, 4:30 बजे क्या होगा, मैं सबसे पहले आपको वीडियो बना के देने वाला हूँ, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और इस वीडियो को बेल आइकन को भी जरूर दबाइए। तो दोस्तों, कल जो फैसला सुरक्षित रखा गया था, उसमें आज जो सुनवाई हुई, शुरुआत में जो सुप्रीम कोर्ट के वकील ने बहुत ही अच्छी तरीके से आंसर दिए, जवाब किए सामने, लेकिन जब बारी आई कमलेश मीणा के वकील विजय चौधरी की, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कह सके, कुछ नहीं उनका आंसर था, कोई जवाब नहीं था, उनके पास कोई सवाल नहीं थे, कोई आंसर नहीं कुछ बात, तो उसमें कोई यानी कि पक्का है कि कैसे हारेंगे कमलेश मीणा के वकील ही, और हम जीतेंगे, यानी कि जीत तो अभी मैंने कह दिया है, कल भी मैंने कहा था, आज भी मैं कह रहा हूँ कि जीत तो हमारी ही है, जीत पक्के, हम जीतेंगे। दोस्तों, धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और दोस्तों, अगर इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।